वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर रेट्रो अनबॉक्सिंग। और आज का जो रेट्रो प्रोडक्ट है वो बहुत ही खास है, और ये है गाइस नोकिया N सीरीज़ का फर्स्ट स्मार्टफोन, नोकिया N70। अब ये फ़ोन कमाल क्यों था कि N सीरीज़ का पहला प्रोडक्ट था, और ये जिस टाइम भी लॉन्च हुआ था 17 ईयर्स को, ये वन ऑफ द मोस्ट हाई टेक प्रोडक्ट था। जैसे कि आजकल के आईफोन होते हैं, उस टाइम पे ऐसे फ़ोन हुआ करते थे। बॉक्स आप गाइस देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। आजकल के बॉक्स में आपको जस्ट एक केबल मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, दैट्स इट। ऑन द बॉक्स आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, याहू गो प्री इंस्टॉल्ड। यू सी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चैट्स आप यूज़ करते हैं, इससे पहले गूगल चलता था, गूगल टॉक, उससे पहले याहू मैसेंजर होता था। तो याहू गो एक मोबाइल का वर्जन था जो याहू मैसेंजर का छोटा फॉर्म, सिल्वर ब्लैक दो कलर में आता था, एक्सप्रेस प्रिंट, एक्सप्रेस ट्रांसफर, पिक ब्रिज, ब्लूटूथ भी था यहाँ पे, एडोब रियल प्लेयर था, VLC जो आप चला रहे हैं उस पर रियल प्लेयर चलता था जो 3GB वीडियोज़ बना के प्ले करता था। एक्सप्रेस प्रिंट में क्या था ना कि आप फ़ोन के थ्रू प्रिंट दे सकते थे। जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त आई रिमेंबर उसका प्राइस लगभग 15-16 हज़ार के आसपास था। क्या इनसाइड है, वाओ, काफ़ी लाइट वेट सा फ़ोन है ये, हियर योर N70। और उस टाइम पे आपको गाइज एक CD मिलती थी, यू रिमेंबर CD, सारे सॉफ्टवेयर जो उसके आते थे, नोकिया PC सूट आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। वाओ, एक हेडफोन भी मिल रहा है साथ में, ब्रेडेड वायर्स यहाँ पे, देखो ये 17 साल पुराना है, नोकिया ब्रांडेड, यहाँ पे लेदर भी लगा हुआ है, कोई भी 3.5 जैक वाला हिसाब नहीं था, अगर ये खो गया तो आपके फ़ोन में वो नहीं चलेगा। बैटरी उस वक्त डिटैचबल होती थी, BL4C बैटरी भी हम अलग से लगाते हैं। और वॉट एल्स इनसाइड, इतनी मोटी सी एक आपको बुक मिलती थी, और एक क्रेडिट कार्ड भी निकला इसमें। देखो नोकिया N70, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ख़रीदा था ये सब तो मुझे ध्यान नहीं सब था कि नहीं, एक पूरी कहानी मिल रही है, लाइक इमेजिंग गाइड, और लाइक कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स, कुछ गेट स्टार्टिंग गाइड है, N70 मैनुअल, कुछ और, देखो याहू गो ऑन योर N70, एक्सप्रेस प्रिंट, एप्लीकेशन गाइड, दुनिया जहाँ का यहाँ पे एकदम इंसाइक्लोपीडिया भरा हुआ है। वाओ, ये नहीं, देखो मस्त वाली केबल, कितनी लंबी डेटा केबल है, देख रहे हो। और गाइस 17 ईयर्स ओल्ड है लेकिन अभी तक केबल ख़राब नहीं हुई है। और एक क्यूट सा चार्जर, ये भी जस्ट ओरिजिनल है, एवरीथिंग इज ओरिजिनल, कितना लाइट वेट चार्जर है, यहाँ पे पिन देख रहे हो, छोटा वाला पिन लगता है, कोई बिग पिन नहीं है। लेट्स चेक आउट फ़ोन कैसा है, और काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है, लेट्स सी गाइस इसका वेट कितना, 105 ग्राम। और अगर हम इसमें बैटरी लगाते हैं ये 15 ग्राम, यानी कि अराउंड 120 ग्राम का जस्ट फ़ोन है। यहाँ पे जो फोकस किया गया है वो फ्रंट कैमरे पे ज़्यादा किया गया, बिकॉज उस टाइम पे ये ना एकदम न्यू ट्रेंड था। आई बिलीव नोकिया 6680 था फर्स्ट फ़ोन जिसमें मार्केट में सेल्फी कैमरा आया था, उसके बाद का ये फ़ोन है, सक्सेसर है N सीरीज़ उसी का। यहाँ पे N70 लिखा हुआ, ये कुछ सेंसर्स हैं, ईयर पीस स्क्रीन है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, और डेडिकेटेड मेन्यू बटन का यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, ये क्लियर बटन है, ये अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, ये कॉल रिजेक्ट करने का, कॉल करने का, ये मेन्यू ऑप्शंस हैं। एंड बॉटम में जैसे बंद रहता है, बैक साइड में, और जैसे इसको स्लाइड करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है, 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे है, और डेडिकेटेड यहाँ पे एक फ्लैश भी दिया गया है। ओके, इस साइड देखिए फन पार्ट है, फन पार्ट ये कि यहाँ पे आपको एक स्लॉट मिलता है जिसमें आप SD कार्ड लगा सकते हैं, और एक डेडिकेटेड कैमरा बटन भी दिया गया है। बॉटम में जो कनेक्टर्स देख सकते हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, यहाँ पे कोई भी जैक वाला हिसाब नहीं है। ऑन टॉप यहाँ पे स्पीकर है सिंगल ऑफ कोर्स, और ये यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, और बैटरी लगाने का हिसाब बड़ा ही सिंपल है। देखिए इसको आपको प्रेस करके इसको पीछे खींचना है, और इसको ऐसे ऊपर उठा लेना है, क्लिक। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, और ये जो कार्ड आप लगते हैं ना, यहाँ पे छोटा वाला कार्ड लगता है, और यहाँ पे ये बड़ा वाला सिम कार्ड लगेगा। आई थिंक जो सिम कार्ड होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, नोकिया 3310 में, और आई थिंक इसमें होना चाहिए एक पुराना कार्ड। पहले तो गाइस हम सिम कार्ड निकालते हैं, ये लगा हुआ है एक BSNL का 2G सिम, ऑफकोर्स गाइस कोई भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा, और यहाँ पे होना चाहिए कुछ कार्ड वार्ड, और ये रहा मेमोरी कार्ड, ये गया सिम लॉक,
और बाहर से लगाते हैं इसमें SD कार्ड। यहाँ पे भी लॉक वाला मैकेनिज्म है, देखिए प्रेस किया तो कार्ड बाहर और अंदर। ये गई बैटरी BL4C, क्लिक टर्न ऑन। तो यहाँ पे सिम्बियन OS है गाइस, आप डिस्प्ले देख सकते हैं साइज कितना है। आई बिलीव कुछ 2 inches के राउंड ये डिस्प्ले है। अब तो 1.9 inches के तो स्मार्ट वॉचेस भी आ गए हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट है मैसेज का, म्यूज़िक का, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। विजेट से यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टली आप शॉर्टकट देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट, मैसेज, कैलेंडर, गैलरी, प्रिंटर, या एक्सप्रेस प्रिंट का है ये, इसका मेन्यू है। इनसाइड जाएंगे तो आपको और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सुपर फास्ट फ़ोन तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी फास्ट है। मैसेजिंग, वेब, बायोन, कनेक्ट, ये 3G फ़ोन था गाइस, यानी कि उस टाइम पे 3G चलने लगे थे देश में। ऑफ कोर्स यहाँ पे बाद में आता, लेकिन और कंट्रीज़ में थे तो ये 3G सपोर्टेड फ़ोन है। तभी वीडियो कॉलिंग के लिए यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया गया था। यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट दिया गया है गैलरी का, जैसे उसको आप प्रेस करते हैं और यहाँ से गैलरी ओपन हो जाती है। थोड़ा स्लो होता है बिकॉज हम आज के स्पीड से देखने, जब हम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की बात कर रहे हैं। सो गैलरी में देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ आ रही, 522 फ़ोटो हैं। अब गाइज आपको मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। अभी मैंने इस फ़ोन से SD कार्ड, जो इसका वो था SD कार्ड, तो मैंने इस फ़ोन में लगाया, यानी कि ये फ़ोन में जब 2004 में यूज़ कर रहा था, जो एप्लीकेशंस मैंने इंस्टॉल किए थे ना, वो सब भी यहाँ पे आ गए। तो ये क्रेजी पार्ट है बिकॉज जावा में लिखा गया था, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे ये एक फोल्डर बन के आ गया माई ओन, यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि वर्ड मीट, स्नीक और स्पाई कॉल, विनरेयर, एस क्रिप्टो। इसमें ना कोई भी फाइल आप उसको पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर सकते थे, इवन तो पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। देखो फाइल मैनेजर भी उसको होता था, इसमें सारे ऑप्शन होते थे कट कॉपी पेस्ट के, जैसे कि यहाँ पे आया इसको खोला तो इसमें देखो ऑप्शन ऑपरेशंस में कट कॉपी सब शॉर्टकट्स। ये जो स्पाई कॉल है ना, इसमें क्या था उस टाइम पे कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर थी, लाइक आप किसी को कॉल करेंगे ना तो दूसरी पार्टी को पता नहीं चलता था। लेट्स चेक आउट दी कूल फीचर, देखिए यहाँ पे कैमरा कैसे ऑन होता है। जैसे इसको हम स्लाइड करेंगे ना, यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा, ये क्लिक और यहाँ पे कैमरा ऑन। थोड़ा टाइम लगा था लेकिन ऑन हो गया। उस वक्त टच स्क्रीन तो नहीं होते थे, तो आपको जस्ट ऐसे ही टैप करना पड़ेगा। वाओ क्वालिटी अच्छी आ रही है। इसको देखो वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, एडिट, प्रिंट ऑप्शन आ रहा है जो डायरेक्ट एक्सप्रेस प्रिंट से आप प्रिंट कर सकते थे। कुछ और शॉट्स लेते हैं गाइस, लेट्स सी क्वालिटी कैसी है। अब यहाँ पे गाइस वीडियो बनाने के लिए ना कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, आपको ऑप्शन पे आना पड़ेगा, वीडियो मोड पे जाना पड़ेगा। अब ये जो गाइस आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये नोकिया N70 से है। क्वालिटी कैसी है आई एम नॉट श्योर, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। और आजकल का जो आप फ्लैगशिप फ़ोन लेते हैं उसमें 8K तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट अवेलेबल है। यस इवन दो आईफोन में वो नहीं है, आईफोन अभी भी 4K 16 चलता है, बट मैं आपको मैक्स दिखा रहा हूँ। 17 साल में देखिए आप पहले किस रिजोल्यूशन के वीडियोस बनाते थे और अब आप अप टू 8K बना सकते हैं, तो कितना डिफरेंस आ सकता है। और ऑटो फ्लैश पे है, आई डोंट नो फोकस ले रहा नहीं ले रहा, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ और थोड़ा सा पास भी जा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी इसमें आएगी। पहले के टाइम पे गाइस जब सेल्फी लेना होता था ना, तो हम लोग रियर कैमरे से लेते थे। मैंने नोकिया चार्जर से बहुत सारी सेल्फीज़ ली हैं। देखो ऐसे लेना होता था, ऐसे पकड़े और अंदाजे से ऐसे पकड़े और देखा फ्लैश चमकी, जिसका मतलब आपने सेल्फी ले ली और अरे वाह बढ़िया सेल्फी आई है। या तो जिस फ़ोन में ऐसे देखो डेडिकेटेड बटन होता था ना, तो आप बटन से ले सकते थे। जैसे N सीरीज़ में ये सारे फीचर्स दिए गए थे जो हाई एंड वाले होते थे, कैमरा शटर, वो सारी चीज़ें। और सेल्फी इसमें बढ़िया आ रही है रियर कैमरे से। अब फ्रंट कैमरे की बारी, यहाँ पे VGA कैमरा दिया गया है फ्रंट में। अब ये देखो VGA ऑन हो गया इसमें। 17 साल पहले ऐसी सेल्फी आती थी, गुस्से वाली मोड की सेल्फी। कैमरे के आपको मैं कुछ और फीचर्स भी बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दी सेल्फी। ये सेकेंड कैमरा फ़ोन था, 3 months बिफोर इसे एक फर्स्ट कैमरा फ़ोन आया था और यहाँ पे VGA कैमरा दिया गया था, दोनों फ़ोन में था। सो क्वालिटी कैसी गाइस ऑफकोर्स आप फील कर सकते हैं। अब ये आप नहीं कह सकते कि बैड है कैसी है, उस वक्त यही माइंड ब्लोइंग फीचर था कि सेल्फी कैमरा दिया गया है, फोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते थे। अनदर अमेजिंग फीचर जो रियर कैमरे में दी गई थी वो इसमें जूमिंग कैपेबिलिटी थी। इवन दो जस्ट 2MP कैमरा था, बट यहाँ पर आप 20x डिजिटल जूम कर सकते थे।
ऑफकोर्स गाइस 20x जूम करेंगे तो क्वालिटी तो आज के फ़ोन में नहीं आती, अगर आप डिजिटल जूम करेंगे तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ देख पाऊंगा, बट फिलहाल एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या थी। ओके अब मैं आपको गाइस इसके स्पीकर का डेमो दिखाता हूँ कि स्पीकर सबसे कितने लाउड है। सो मैं आपको कुछ ओरिजिनल वीडियोस दिखाता हूँ जो मैंने 2005 में फिल्म किए थे। पता नहीं कौन सी बंदी थी, मेरे को खुद नहीं पता, कोई होगी। काफी लाउड स्पीकर गाइज इस फोन का। गाइज हेडफोन ना बड़े ही कमाल का है। यहाँ पे एक छोटा सा ये देखो लॉक मैकेनिज्म है, ऐसे ना हार की तरह इसको पहन लिया पीछे, और पहनने के बाद अब ये गिरेगा नहीं। उसके बाद आपने ऐसे हेडफोन लगा लिया, राइट? यस, ये थोड़े से अनकंफर्टेबल है, शायद यहाँ पे कुछ होगा जो अब निकल गया है, यू नो जो ईयर कप्स होते हैं। लेट्स सी गाइस इसमें हेडफोन की क्वालिटी कैसी आ रही है। लगाते यहाँ पे एक सिंबल सा आ गया है, यू सी ये थोड़े से ख़राब हो गए हैं, आई मीन आवाज़ इसी साइड से आ रही है बट काफ़ी लाउड है और अच्छी डिसेंट साउंड आ रहा है। एंड बैटरी गाइस कोर्स बढ़िया चलती थी उस फ़ोन के। सो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है इन सभी फ़ोन्स को यूज़ करना। यस, इसमें बहुत से लिमिटेशंस हैं आजकल के फ़ोन से कंपेयर करें, बट नॉट बैड अगर आप उस टाइम की बात करें जब इंटरनेट होता नहीं था, लाइक नाम मात्र के बराबर था। उस वक्त आप 2 MP की फ़ोटोज़ ले सकते थे, क्रेजी स्पीकर्स, बिग डिस्प्ले, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते थे। मुझे याद है मैं 50 रुपये, मैं तो नहीं करता था, मैं तो इंटरनेट से कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लेता था। मार्केट में 50 रुपये में 10 सॉफ्टवेयर, 15 सॉफ्टवेयर ऐसे स्टॉल होते थे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे ना, वो सारे सॉफ्टवेयर लोग बाजार में डलवाते थे, मैं फ्री में उसको कर लेता था बिकॉज ओपन सोर्स थे, कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, वो सारी चीज़ें मिल जाती थी। एंड उस वक्त के गाइस प्रीमियम फ़ोन्स थे, आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते थे, कंप्लीट फ़ोन का बैकअप बना सकते थे, अगर आपने फ़ोन रीसेट किया तो बैकअप रिस्टोर कर लेते थे। सो ऑल दी कूल थिंग्स जो आप उस टाइम पे कर सकते थे ये सभी इन्हीं सब फ़ोन से होता था, नोकिया एन सीरीज़ या जो लेटेस्ट उसके बाद के क्रेजी हाई एंड फ़ोन थे। प्रॉब्ली इसी से ही एंड्रॉयड और यू नो एप्लीकेशंस, प्ले स्टोर, सारी चीज़ों का आइडिया निकला। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज रेट्रो अनबॉक्सिंग नोकिया N70। लेट मी नो किस और रेट्रो फोन्स के बारे में हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट, हम उस फ़ोन को भी ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। रेट्रो अनबॉक्सिंग, और आज मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग फ़ोन दिखाने वाला हूँ। ये फ़ोन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, आप में से बहुत से लोगों ने इसको यूज़ भी नहीं किया होगा। 13 साल हुआ है, ज़्यादा हुआ है ना, 2005 से 2022 कितना हुआ, 17 साल। अच्छा अब तो मेमोरी कार्ड में जा रहा है ना, सब कुछ फटाक से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ले लेगा सर, है ना, मैक्रो ले सकते हैं क्या इससे, आप आएगा क्या मैक्रो? स्टॉप कैसे करेंगे इसको, स्टॉप कर दिया, लटक गया था। अबे फिर सिम कार्ड निकाल दे, क्या सिम कार्ड बाबा नौटंकी करेगा ना साला, अरे ससुर को सिम कार्ड को बाहर। खाली टाइम पे ना उस वक्त मैं ये सब काफ़ी पढ़ता था, शायद इसीलिए टेक में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज इस किताबें मैं पढ़ डालता था लिटरली गाइस की। रियली सॉरी गाइस, अब बॉक्स में ये टेप वेप लगाए, पता नहीं कौन से वो बेवकूफ लोग थे जो ये ब्राउन वाला टेप लगा देते हैं, और ये बहुत ही वाहिया टेप होता है, लगाने के बाद आप कुछ भी कर लो ना बॉक्स नोच देगा लेकिन टेप नहीं निकलता है।